आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शाम का जो व्लॉग है वो शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में भी एक व्लॉग आप लोग के लिए शूट किया था, तो मैंने आज आप लोग के साथ ना बेडरूम मेकओवर का वीडियो शूट किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए शाम से भी आप लोग के साथ अपना इवनिंग व्लॉग शेयर करते हैं। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आशु ना जस्ट अभी लीचियां तोड़ के लाए थे। ये देखो, उस दिन आप लोग के साथ शेयर किया था ना कि लीचियां पकने वाली है, तो फाइनली लीचियां पक चुकी हैं, तो आप लोग भी खा लो। काश मैं आप लोग को खिला पाती, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे लीचियां। और किस किस की फेवरेट है लीची मेरे साथ जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आशु को लीची उतनी पसंद नहीं है, इनको मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ना लीची बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मतलब एमी होने वाला था, तो मैं लीची बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगती थी। हालांकि लीची थोड़ी सी गर्म होती है, तो अगर आप कभी प्रेगनेंसी में खा रहे हो ना, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में खाओ और लीची को फ्रिज में रख दो ताकि वो ठंडी हो जाए, तब आप खा सकते हो। तो मैंने तो खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो आज मैं आशु से वही शेयर कर रही थी, मैंने कहा कितनी खाई है यार, तभी एमी को भी इतनी लीचियाँ पसंद है, वो भी बहुत खाता है। तो एमी का पता है क्या हो रहा था आजकल, कि वो जा रहा था बार बार खेत में, थोड़ी थोड़ी तोड़ रहा था, खा रहा था। तो आशु ने फिर आज सोचा कि चलो पक तो गई हैं, तो फाइनली इनको तुड़वा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग भी खड़े हुए थे यहाँ, लीची खा रहे थे। आशु ने तो थोड़ी सी खाई है, मैं खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। नोनो अंदर ट्यूशन ले रही है, मतलब ट्यूशन दे रही है अपना, और हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर मौसम बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश जब बहुत अच्छी वाली पड़ती है ना गर्मियों में, तभी मज़ा आता है, नहीं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, और बल्कि गर्मी बढ़ जाती है। तो पता नहीं अभी तेज़ बारिश आएगी कि नहीं, अभी तो फिलहाल छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। आ गई हूँ छत पे, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कपड़े दिखाऊं आप लोगों को कितने सारे धुले हैं आज, ये देखो ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो मैंने आज क्योंकि कर्टन भी चेंज किए थे, रूम के नए वाले लगाए थे, तो पुराने जो लगे हुए थे ना वो भी सारे धुल दिए, कर्टन बेडशीट चेंज की थी वो भी धुल गई हैं। और यहाँ देखिए अमी बैठ के लीची इंजॉय कर रहा है, साथ में स्टडी भी कर रहा है, उसकी स्टडी कम हो रही है, लीची इंजॉय ज़्यादा हो रहा है। तो अभी दिन भी ढलने वाला है, वो देखिए पीछे, पता नहीं दिख रहा है कैमरे में या नहीं। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा में बैठ के अपना काम करते हैं शाम का, कपड़ों की तह लगाते हैं। तो आशु भी बैठे हुए थे, अभी अभी जस्ट गए हैं नीचे, वो देखिए अभी दिखाती हूँ आशु का है। तो वो रहे आशु, आ जाओ। तो चलिए कपड़ों की तह लगाते हैं, फिर आराम से आप लोगों से बात करते हैं। मैं तो कपड़ों की तह लगा रही हूँ और आप पीछे देख सकते हो एमी जी खा रहे हैं लीची, क्योंकि उसे लीची बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने एमी को ऊपर ही बुला लिया था कि ऊपर ही ले आओ लीची, ऊपर खा लेना मेरे पास बैठ करके, और मैं अपना काम कर लूंगी। और मेरे पास ने काफी दिन पहले कमेंट आया था, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दिया आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहते हो, आप कैसे इतना खुश रह लेती हो। तो देखिये मैं एक चीज आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि देखिये जिंदगी किसी की भी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जैसी भी भगवान ने आपको लाइफ दी है ना, कोशिश कीजिए कि उसका हर एक पल आप खुशी के साथ जिए। नेगेटिविटी में भी आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर ढूंढें, और ऐसे लोगों को, ऐसे विचारों को आप हमेशा अपने आप से दूर रखें जो आपकी सोच को या फिर आपकी लाइफ को नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिएगा आप हर चीज में नेगेटिविटी को दूर रखेंगे और पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेंगे। तो मैं तो अपने आप को ऐसे ही खुश रखती हूँ और बुरी चीजों को, बुरे लोगों को इग्नोर करती हूँ। और मैंने देखिए वक्त के साथ ये चीज सीखी है कि आप जितना बुरे लोगों से दूर रहेंगे और जितना बुरी बातों से दूर रहेंगे, उतना आप ज्यादा खुश रहेंगे। अपने आप में व्यस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनी जिंदगी का हर एक पल आप अच्छे से जियो, देखना लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी आपकी। और गाइज वो देखिए सामने, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, देखिए रेनबो निकल गया, रेनबो। एक मिनट दूर से दिखाती हूँ, हल्की सी लाइन आप लोग को दिखाई दे रही होगी, देखिए रेनबो आ गया। एमी देखो रेनबो, देखा वो, देखो सामने शायद आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए रेनबो निकल गया बारिश के बाद।
उधर धूप निकली है, वो देखिए उधर सूरज ढल रहा है, दोबारा से धूप हो गई है, और इधर देखिए रेनबो निकल गया, अभी अच्छे से विजिबल हो गया, देखो है ना, अभी लाइट था ना, देखिए। मैं आप लोग को ऊपर से दिखा के लाती हूँ रेनबो, शायद मेरे ख्याल से ऊपर वाली छत से ना अच्छा दिख जाएगा। वो देखो सिर्फ एक तरफ लाइन दिखाई दे रही है, पूरा रेनबो नहीं है, जैसे रेनबो का पूरा सर्कल बनता है ना, हाफ सर्कल, वो नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा है। अच्छा लग रहा है रेनबो निकला हुआ, और बचपन में ना इतना खुश होते थे ना जब रेनबो देखने को मिलता था, तो सेम खुशी ना वही अब एमी और को मिलती है, जब मैं बोलती हूँ ना एमी को, एमी रेनबो निकल के इतना खुश होता ना, तो ये देखो मैंने पर्दे लगाए थे, आप लोग को दिखाया था वीडियो, तो लंबे थे ना पर्दे, तो मैंने इनको छोटा कर दिया है, तो विंडो के जितने भी पर्दे थे मैंने सब छोटे कर दिए, ये देखिए। लेकिन अभी ना डोर वाले पर्दे मैंने उतार के रखे हैं, ये देखिए, तो ये चार पर्दे हैं जो मुझे अभी छोटे करने हैं, बाकी सब मैं छोटे करके लगा चुकी हूँ, ये देखो। और इस बार मैंने पर्दों की लेंथ ना काफ़ी लंबी रखी है, क्योंकि हमारी विंडो ना बहुत छोटी है, तो छोटे छोटे पर्दे लगे हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इस बार मैंने पर्दे की लेंथ लंबी रख दी है। टाइम हो चुका है 6:30 बजे का, और आप लोग को पता है कि ठीक 6:30 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन के लिए। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ, एक्चुअली इसलिए पीछे देख रही हूँ क्योंकि मैंने ना तेल चढ़ा दिया था, आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरेट है, और आजकल हमारे खेतों में ना बहुत ज्यादा भिंडी हो रही है, तो एवरी सेकेंड डे थर्ड डे भिंडी बनती बनती है, तो यहाँ थोड़ी सी काटी है, जस्ट बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़ी बहुत हम भी ले लेंगे। साथ में मैं बनाने वाली हूँ आज साबुत मलका की दाल, तो वो भी मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली है, और छत से मैं थोड़ी देर पहले नीचे आ गई थी, आते ही मैंने सबसे पहले भिंडी काट ली, मैंने कहा फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, और यहाँ प्याज भी काट ली है लंबी लंबी, तो चलिए पहले भिंडी छोक लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है किचन में, तो पहले भिंडी छोक लेते हैं, फिर दाल मैं बनाऊंगी, और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आटा भी गूंद के रख लिया है, ये देखिए, तो काम की सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है, भिंडी की सब्जी छोक लेते हैं, फिर बाकी सारी गपशप आप लोगों से बाद में करते हैं। तो सबसे पहले ना भिंडी को छोकने से पहले मैं इसको थोड़ा सा तेल में तल लूंगी, तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में डाली है, और इसको मैं हल्का सा ब्राउन होने तक तलूंगी, क्योंकि फिर ना अगर मैं बिना तले इसको बनाऊंगी, एक तो लेस भी आता है भिंडी में, और दूसरा ये है कि पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये मुझे अच्छा मेथड लगता है कि पहले भिंडी को भून लो, फिर उसके बाद उसको मैं छोंका लगाऊंगी प्याज में। यहाँ मैं अच्छे से भिंडी को तल रही हूँ, और तलने के आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए, बहुत ज्यादा तेल में इसको नहीं तलना है। तो भिंडी मेरी अच्छे से तल गई है, बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई है, अब मैं इसको छोक रही हूँ, तो छोकने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल के गरम होते ही मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दी थी, जीरा हींग भूनते मैंने इसमें बारीक लंबे कटे हुए प्याज डाले हैं, प्याज को भी मैंने अच्छे से भून लिया है, और सूखे मसाले ऐड कर दिए, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, रंग वाली मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मसाले भूनने के बाद में मैंने इसमें तली हुई भिंडी ऐड कर दी है, और ये सब्जी ना बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने भिंडी तल ली थी, तो भिंडी ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है, और जस्ट इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पका दूंगी, और भिंडी की सब्जी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। इसको बहुत कम टाइम लगता है बनने के लिए, सिर्फ जो भिंडी हम लोग तलते हैं उसमें टाइम लगता है, बाद में सब्जी बनने में उतना ज्यादा समय नहीं लगता है।
तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ साबुत मलका की दाल। तो ये जो ब्राउन वाली दाल होती है ना, साबुत छिलके वाली मलका की दाल, वो बनाने वाली हूँ। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी हल्दी और नमक डाल के, और यहाँ मैंने इसके लिए मसाला भी चॉप कर लिया है, लहसुन प्याज टमाटर तो ये भी चॉप कर लिए। तो अब मैं इसको छोंकने जा रही हूँ। तो गाइस दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई है, और बॉईल करते वक्त मैंने उसमें हल्दी और नमक डाल दिया था। तो यहाँ मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ाई में मेरा ऑयल गर्म हो चुका था, तो उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना और हींग। तो इनके भूनते ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज लहसुन टमाटर, इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। और ये दाल ना खाने में बहुत अच्छी लगती है, और खासतौर पर इस दाल को गर्मियों में ही खाया जाता है, जो साबुत मलका की दाल होती है, क्योंकि ये ना ठंडी दाल होती है। इसको अगर आप सर्दियों खाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा नुकसान देगी, क्योंकि ये ठंडी मानी जाती है। इसलिए आप इसको अगर कंज्यूम करना चाहते हो ना, तो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ मसाला मेरा भून चुका था, तो उसमें मैंने थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च और तीखी लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ दाल को ऐड कर लिया है, और इसमें लगा दिया है तड़का। ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी, जिससे कि इस दाल का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, और ये दाल खाने में बहुत टेस्टी लगती है, हमारे घर पर सभी को पसंद आती है। तो यहाँ मेरी डिनर की थाली बनके तैयार है, आप लोग भी आ जाइए, हम सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। कैसे आप लोग? तो कल रात में ना मैं वीडियो बिल्कुल ऐड नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफी लेट हो गया था, और मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है बार बार वीडियो को ऐसे एंड करके। आप लोगों से बात जरूर करूंगी, चाहे 5 मिनट मॉर्निंग में शूट करूं, लेकिन शूट करने के बाद में ही वीडियो का एंड करूंगी आप लोगों से बात करके। और मैं ना बिंदी लगा रही थी, तो सिर्फ गर्मियों में ना यार, मेरे ना सिर्फ ये वाली बिंदी रुकती है माथे पे, जो स्टिकर वाली बिंदी होती है ना, बाकी मैं फैंसी बिंदी लगा लूं या फिर स्टोन वाली बिंदी लगा लूं ना, वो बिल्कुल नहीं रहती है, क्योंकि ऑयली स्किन है ना, और फोरहेड पे तो बहुत, इस जगह पे तो मेरे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से बिंदी बिल्कुल नहीं रुकती है। और आप लोगों ने क्या कभी कुमकुम वाली बिंदी लगाई है? वो जो लिक्विड वाली बिंदी आती है ना, मैंने वो शादी के बाद बहुत लगाई है, मुझे इतनी सुंदर लगती थी ना। एक दिन तो पता है मैं मार्केट में पूछ के भी आई यहाँ डोई वाला, लेकिन यहाँ पे वो मुझे अवेलेबल नहीं हुई। किस किस ने लगाई है मेरे साथ जरूर शेयर करना। उसमें ना कलरफुल वाली भी आती है, उसमें कई कलर्स की बिंदियां भी आती है, और एक सिंगल वाला पैक भी आता है जिसमें मेहरून या रेड कलर की होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और जिस समय पे मैं टीचिंग कर रही थी शादी के बाद, तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था उसी बिंदी को लगाना। तो मुझे ना आज मॉर्निंग में जब मैं बिंदी लगा रही थी, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं एक बार दोबारा जाऊंगी ना मार्केट, तो पता करूंगी कि अभी भी वो बिंदी मिलती है कि नहीं। और यहाँ देखिए एमी आ गया है, ये देखिए वो रहा। और पता है क्या, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसकी क्लास ओवर हुई है, और क्लास ओवर होने के बाद आप देख लो ऐसा होता है मेरे रूम का हाल, तो ऐसा हाल हो जाता है मेरे रूम का, क्योंकि यहीं पे बैठ के ये क्लास देता है, बाकी नीचे किसी भी रूम में कनेक्टिविटी नहीं आती है, बहुत इंटरनेट का इश्यू रहता है। लेकिन मेरे रूम में ना बहुत अच्छे से एमी की क्लास हो जाती है, यहाँ पे नेट ठीक ठाक चल जाता है। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो ना ऑलरेडी काफी लंबा बन चुका है, और लंबा हो जाएगा, फिर यहाँ से अपलोड होने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए अब परिस्थिति कैसी भी है ना, लेकिन हम लोग को टाइम पास तो करना है। यहाँ पे कई बार नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वीडियो मेरा बिल्कुल टाइम पे जा नहीं पाता है, कभी कभी नेट बहुत अच्छा चलता है, वीडियो एकदम से अपलोड हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की। तो इसी के साथ अलविदा लेती हूँ आप लोगों से। अगर आज का ये छोटा सा वीडियो, ये व्लॉग आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से मैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।